हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड गाइस, मैं पहुंच चुका हूं सावन के महीने में पहली बार शिव शक्ति धाम के अंदर। एंड गाइस, आप देख सकते हो शिव शक्ति धाम मंदिर का गेट आप मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा। एंड गाइस, बहुत ही अच्छा मंदिर के अंदर मैं गया नहीं उससे पहले, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड गाइस, मंदिर के अंदर मैं जाके देखूंगा तो पता नहीं, देखते हैं कैसा क्या मंदिर है। एंड गाइस, बहुत अच्छा पेड़ पौधा यहाँ पे लगे हुए आप देख सकते हो। और यहीं पे जो है सावन के महीने में गाइस मैं रंगोली बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, सावन के महीने में हर सोमवार को यहाँ पर फ्री निशुल्क भंडारा चलता है सुबह शाम। तो गाइस, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सोमवार को आइएगा और साथ ही यहाँ पे निशुल्क भंडारा पाइए। और दोस्तों, मैं खुद अब जो है कि हॉस्टल का टिफिन खा कर पक चुका हूँ, बोर हो रहा हूँ। तो गाइस, मैं भी हर सोमवार यहाँ पर आया करूँगा और फ्री में प्रसादी यहाँ पे वितरण करेंगे। एंड गाइस, साथ ही यहाँ पर सोमवार के दिन शाम को भजन संध्या होती है और भजन संध्या के साथ साथ पूरे सागर के लोग जो है यहाँ पर आते हैं गाइस। लगभग इस मंदिर के अंदर शिव शक्ति धाम 10,000 लोग से भी ऊपर यहाँ पर लोग एक दिन में आते हैं। तो गाइस, आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा, बहुत ही अच्छा माहौल है। और यहीं पर मैं 3D रंगोली बनाकर सभी के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर। और आप ऐसे दर्शन करने तो आप आएंगे शायद, साथ ही गाइस आपको घूमने का भी बहुत अच्छा यहाँ पे एक स्थान मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ आपको देखने को मिलेगी गाइस। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ मंदिर के अंदर सबसे खूबसूरत जगह, अद्भुत भगवान शिव शंकर की मूर्ति के दर्शन आपको कराने वाला हूँ। एंड गाइस, उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। एंड गाइस, अब जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बाबा महाकाल की सबसे बड़ी मूर्ति सागर के अंदर। तो गाइज, मैंने पहली बार देखी और मुझे यकीन नहीं हुआ कि सागर के अंदर इतना अच्छा मंदिर भी है। तो गाइज, आप इस मंदिर जरूर आइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर हर महादेव। तो गाइज, इंतजार की घड़ियां खत्म और अब मैं आपको कराने जा रहा हूं सागर के सबसे खूबसूरत मूर्ति के दर्शन। गाइस, बाबा महाकाल की मूर्ति आप देखकर बिल्कुल मंत्रमुग्ध होने वाले हो, क्योंकि गाइस आज से पहले मैंने भी इतनी खूबसूरत मूर्ति कभी देखी नहीं थी। और गाइस, जब मैंने इस मूर्ति को पहली बार देखा था तो मैं एक घंटे तक मूर्ति को देखता ही रहा, क्योंकि गाइस इतनी खूबसूरती है उस मूर्ति के अंदर, इतनी फिनिशिंग के साथ उसे बनाया गया है कि गाइस उसे देखता ही रहो दिन भर। तो गाइस, दर्शन करिए आप बाबा महाकाल के। हर हर शंभू। मैं आपको और करीब ले जाके आपको दिखाता हूँ। एंड गाइस, आपने दर्शन कर लिए हो तो गाइस अब मैं आपको करवाता हूँ रंगोली बनाकर बाबा महाकाल के दर्शन। तो अब मैं रंगोली शुरू करने वाला हूँ, तब तक आप बने रहिए ललित नगर आर्टिस्ट के साथ। सो गाइस, नज़रिया यहाँ का बहुत ही अच्छा है और आप देख सकते हो चारों तरफ हरियाली आपको नज़र आ रही है। और दोस्तों, हम यहाँ पर जिस काम के लिए आए हैं रंगोली के लिए गाइस, हमें देख सकते हो आप, मैं आपको बताता हूँ इतना स्पेस हमें यहाँ पे दिया गया है और स्पेस काफ़ी कम है हमारे लिए यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा आती है। एंड गाइस, आप देख सकते हो जिस तरह का मेरा ये शीट पे पूरा स्केच बना हुआ है, उस हिसाब से यहाँ पर ना थोड़ा स्पेस की कमी है। आप देख सकते हो गाइस, थोड़ा पेज बाहर निकल रहा है। इस पूरे फ्लाई बोर्ड पर जो पलंग है उस पर हमें बनाना है, पलंग नहीं टेबल टाइप लग रहा है, टेबल है इस पर, तो टेबल पे हम इसे बना रहे हैं। सो गाइस, अब हमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, साइज का प्रॉब्लम आ रहा है। सो गाइस, स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था रंगोली बनाने के लिए, तो यहाँ पे काफी स्टोन कोटे स्टोन टाइप पट्टियाँ हैं गाइस, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है रंगोली बनाने में और अच्छी स्पेस भी इस पर पूरी तरीके से भोले बाबा यहाँ पे बन जाएंगे इसके ऊपर। सो गाइस, इसी पे हम रंगोली बनाने वाले हैं। सो गाइस, जो सीट पे मैं स्केच बना के लाया था वो मैंने इस पट्टी के ऊपर चिपका दिया है, जो कोटे स्टोन की जो पट्टी है। सो गाइस, अब हम इस पर रंगोली स्टार्ट करने वाले हैं। सो गाइस, रंगोली को स्टार्ट करने से पहले हम बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेना चाहेंगे। एंड गाइस, उनको प्रणाम करते हुए उनका जयकारा हम लगाते हुए, आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना खूबसूरत नज़ारा आपको दिख रहा होगा गाइस। तो पहले हम बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते हुए रंगोली को स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री महाकाल। जय जय श्री महाकाल।
सो गाइज आपको रंगोली कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताएं। और आप देख सकते हो रंगोली जो है पूरी तरीके से मैंने आज मिटा दी है। एंड गाइज आपको वीडियो में ऐसा लगा होगा कि रंगोली मैंने सिर्फ ऐसे ही एक दिन के अंदर ही बना दी होगी, लेकिन गाइज ऐसा नहीं है। 3 दिन में मैंने इसे पूरी तरीके से कंप्लीट किया था और काफ़ी स्ट्रगल लगा इसे बनाने में। मेरा यूटीडी हॉस्टल से ये जो मंदिर है शिव शक्ति धाम काफ़ी दूर है डिस्टेंस में, तो गाइज डेली आता था और डेली बनाता था। यहाँ पे परमिशन लेने में भी मुझे काफ़ी दिक्कतें हुई, पंडित लोगों से बातचीत करी, उसके बाद बहुत ही मुश्किल से मुझे यहाँ पे बनाने की परमिशन मिली। एंड गाइज आप देख सकते हो बाबा महाकाल के दर्शन, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है यहाँ पर, आप देख सकते हो, कभी भी आके दर्शन करिएगा ज़रूर। और दोस्तों इस रंगोली को मिटाने का वीडियो आप मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हो जाकर। और अभी अभी मैंने एक नया व्लॉग चैनल भी स्टार्ट किया है, इस मंदिर का मैंने एक नया व्लॉग भी बनाया गाइस, आप जाके मेरे व्लॉग पर व्लॉग चैनल डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ललित नागर व्लॉग्स, आप जाके चेक कर सकते हो। और गाइस अब जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और आप सभी के प्यार सपोर्ट से मेरे 10,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होने वाले हैं। सो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।